छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है। प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री ओम बिरला जी अध्यक्ष लोकसभा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, महासचिव लोकसभा, आप सभी महानुभावों का कोटि कोटि अभिनंदन है। सम्माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचासीन अतिथिगणों से सादर आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। स्पीकर सर का संदेश कहाँ पढ़वाना है तय कर लेना, उसके हिसाब से बोलना, ठीक है। ये दीप है स्नेह का, ये दीप है विश्वास का, ये दीप है सर्वत्र मंगल कामना का। आप सभी की उपस्थिति, आप सभी का पावन सानिध्य हमारे लिए एक सुखद अनुभूति है। आप सभी माननीय सदस्यगणों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। षष्ठम विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का यह प्रथम दिवस, जिसमें आप सभी की गरिमामय उपस्थिति है। अतिथि देवो भव के पवित्र भावना से अनुप्राणित हमारी भारतीय संस्कृति, जिसमें अतिथि सत्कार का हमारा अपना संस्कार रहा है, आज इस अवसर पर हम अपनी उस स्थापित परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस तात्पर्य में सर्वप्रथम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी से सादर आग्रह है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाना जी से सादर आग्रह है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी से सादर आग्रह है कि वे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से सादर आग्रह है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय सांसद कोरबा श्रीमती ज्योत्सना महंत जी से सादर आग्रह है कि लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री दिनेश शर्मा जी सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा से सादर आग्रह है कि मंचासीन समस्त अतिथिगणों का स्वागत करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत। माननीय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जी का स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का स्वागत। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का स्वागत। सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। महासचिव लोकसभा का स्वागत करेंगे सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा श्री दिनेश शर्मा जी। श्री
श्री दिनेश शर्मा सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा से आग्रह है कि वे स्वागत उद्बोधन और इस आयोजन के उद्देश्य पर संक्षिप्त में प्रकाश डालने की कृपा करें। श्री दिनेश शर्मा जी। आयोजन के मुख्य अतिथि सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, सम्माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाना जी, सम्माननीय महासचिव लोकसभा, माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, श्री प्रदीप दुबे प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय के आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर कृपा पूर्वक छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के नव निर्वाचित माननीय सदस्यों को प्रबोधित करने के लिए आप पधारे हैं, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। 24 वर्षों की अपनी संसदीय यात्रा में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय कार्यकरण की श्रेष्ठता के अनेक आयामों को स्पर्श किया है। प्रथम से लेकर पंचम विधानसभा तक सभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष गणों ने अपने संसदीय ज्ञान और अनुभव से छत्तीसगढ़ विधानसभा की संसदीय संपदा को समृद्ध किया है। परम श्रद्धेय डॉक्टर रमन सिंह जी सष्टम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की विधानसभा नव संसदीय उत्कर्षों को सृजित कर पाने में सफल होगी। आपका संसदीय ज्ञान, अनुभव और संसदीय व्यवहार सभी माननीय सदस्यगणों के लिए एक आदर्श है। हम सबको पूर्ण विश्वास है और निश्चित रूप से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के संरक्षण और निर्देशन में हमारी विधानसभा उच्च संसदीय आयामों को स्पर्श करेगी। छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा में वरिष्ठ और नवोदित सदस्यों का समान रूप से समावेश है। यह उल्लेखनीय है कि छठवीं विधानसभा में प्रदेश की जनता ने 19 महिला सदस्यों को विजयी बनाकर नारी शक्ति में अपना विश्वास जताकर इस सदन में भेजा है। निश्चित ही राज्य की जनता जनार्दन का यह निर्णय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण अभियान को मजबूती देने वाला है। माननीय महोदय, इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि नव निर्वाचित सदस्य, विशेषकर प्रथम बार निर्वाचित होकर आए हुए माननीय सदस्यों को संसदीय परंपरा, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय व्यवहार की प्राथमिक जानकारी जो उनके संसदीय दायित्व के निर्वहन के लिए आवश्यक है वह उपलब्ध कराई जा सके। निश्चित रूप से इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के उपरांत माननीय सदस्यगणों के संसदीय ज्ञान को और अधिक विस्तार मिलेगा और सदन की कार्यवाही में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। मेरा सभी माननीय सदस्यगणों से विनम्र अनुरोध है कि इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के प्रत्येक सत्र में आप सहभागी बने और विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से लाभान्वित हों। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं पुनः आपके प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए कृपा पूर्वक अपना समय दिया और हमें आपके सानिध्य का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मंत्रिमंडल के समस्त माननीय सदस्य एवं आप सभी उपस्थित माननीय सदस्यों की उपस्थिति का अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, संसदीय कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह है कि इस अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के संदेश का वाचन करने की कृपा करें।
हम सबके लिए ये प्रसन्नता, खुशी और सम्मान का विषय है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी हम सबके बीच में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, प्रबोधन के लिए उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से आप तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश और जहां पर अब रामलला पधार रहे हैं, ऐसे प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाने जी का आप तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, लोकसभा के सचिव महोदय, हमारी छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सचिव श्री शर्मा जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिव, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारी साथियों, मैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की तरफ से उनका संदेश आपको पढ़कर सुना रहा हूं। सष्टम विधानसभा के निर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्यप्रणाली एवं संसदीय प्रक्रियाओं से भिज्ञ कराने के उद्देश्य से प्रबोधन कार्यक्रम आयोजन किया गया है। दिनांक 19 जनवरी 2024 से मेरी कमर में अत्यधिक दर्द बना हुआ है, जिसके कारण मैं कहीं भी आना जाना नहीं कर सक रहा हूं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित होकर आने वाले अतिथियों का स्वागत करूं और नव निर्वाचित सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करूं, किंतु चिकित्सकों की सलाह के कारण मैं अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में नहीं दे पा रहा हूं। मैं सभी अतिथियों का इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सदस्यों से भरे मन से क्षमा चाहता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर मैं स्वास्थ्यगत कारणों से चाहते हुए भी अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रहा हूं। मैं सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत करता हूं तथा इस कार्यक्रम के सफल होने की कामना करता हूं। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी की तरफ से पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्री उत्पल कुमार सिंह महासचिव लोकसभा से सादर आग्रह है कि वे आयोजन के परिपेक्ष में अपने विचार रखने की कृपा करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव एवं मेरे सहयोगी श्री दिनेश शर्मा जी, मीडिया के सभी बंधुगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी गणमान्य जनों का सादर स्वागत है। सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं। इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वाधिक 19 महिला सदस्य निर्वाचित होकर आई हैं। 90 सदस्य की इस विधानसभा में 55 वर्ष की आयु से कम के 50 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मैं ही यह कामना करता हूं कि आपकी ऊर्जा, आपकी निष्ठा, आप सभी की देखरेख एवं दिशा निर्देशन में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, जिससे यहाँ के साधारण जनमानस के जीवन स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा आयोजित माननीय विधायकों के प्रथम प्रबोधन कार्यक्रम में संसद की प्रशिक्षण संस्था प्राइड को जुड़ने का अवसर दिया गया है। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि प्राइड आज अपने देश की विधायिकाओं के बीच ही नहीं बल्कि दुनिया की लगभग 100 संसदों में संसदीय प्रणाली एवं जनतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े प्रासंगिक विषयों में गुणवत्तापूर्ण एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की जानी मानी संस्था के रूप में अपना स्थान बनाने में सफल हुई है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान विधानसभाओं के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्राइड के सहयोग से प्रबोधन कार्यक्रम इसी माह आयोजित किए जा चुके हैं। इस कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के माननीय विधानसभा सदस्यों के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रबोधन के दौरान अनेक जरूरी तथा प्रासंगिक विषय जैसे ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, बजट आदि पर आवश्यक जानकारियां अनुभवी वक्ताओं के द्वारा दी जाएंगी। इससे विधानसभा में प्रभावशाली तथा नियमानुकूल तरीके से प्रतिभाग करने में माननीय विधायकों को सहायता मिलेगी। विधानसभा में दैनिक कार्यावली के अनुसार सुचारू रूप से कार्यवाही चले, माननीय सदस्यगण जन समस्याओं को प्रखरता से सदन में उठा सकें, इसके लिए जरूरी है कि नियम प्रक्रियाओं, वाद विवादों एवं उपयुक्त दृष्टांतों के विषय में उन्हें भरपूर जानकारियां दी जाएं, ताकि वे पूर्ण संतुष्टि के साथ विधानसभा सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के 5 साल छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा में समर्पित कर सके। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा द्वारा संसद सदस्यों की सुविधा के लिए आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट के माध्यम से कई प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। लोकसभा के डिबेट्स का डिजिटलीकरण किया गया है ताकि सुगमता से उन्हें देखा जा सके एवं उनका अध्ययन किया जा सके। संसद की सभी पुरानी प्रोसीडिंग्स के वीडियो का भी डिजिटाइजेशन आपके निर्देशन में हो रहा है ताकि वक्तावार विषयवार सर्च कर उन्हें देखना संभव हो सके। इसके अलावा संसद के पुस्तकालय में रखी लाखों पुस्तकें, डिबेट्स, रिपोर्ट्स को भी डिजिटाइज इसी उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। सांसदों की मांग पर संसद पुस्तकालय से उनके लिए डोरस्टेप डिलीवरी की व्यवस्था भी की गई है। माननीय सदस्यगण का प्रमुख दायित्व उनके विधायी कार्य से जुड़ा होता है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण विधेयकों पर सांसदों को पूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य से ब्रीफिंग सेशन नियमित तरीके से आयोजित किए जाते हैं, जिससे विधेयक से संबंधित उनकी सभी जिज्ञासाओं का निवारण हो सके। यही नहीं, माननीय सांसदों की सुविधा के लिए प्रिज्म नामक 24 घंटे की सेवा की स्थापना की गई है, जिसके अधीन सदन के सत्र के दौरान सदस्य को उसके द्वारा मांगी गई किसी भी प्रकार की जानकारी लोकसभा की शोध टीम के द्वारा कम से कम समय में उपलब्ध कराई जाती है। लोकसभा द्वारा किए गए प्रयोगों को आप सभी के समक्ष रखने के पीछे अभिप्राय मात्र इतना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी इनमें से कुछ प्रयासों को अपनाने के विषय में विचार हो सकता है, ताकि माननीय सदस्यों को सुविधा भी मिले एवं डिबेट्स की गुणवत्ता में और अधिक सुधार आ सके। लोकसभा सचिवालय जरूरत पड़ने पर इस प्रसंग में हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है। मैं सभा को अवगत कराना चाहता हूं कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वन नेशन वन लेजिस्लेटिव ग्रिड की स्थापना का आह्वान किया गया था।
माननीय लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में इस दिशा में कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इस प्रकल्प का उद्देश्य समस्त विधायिकाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, जहां वे एक दूसरे के रिसोर्सेस को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य को संसद एवं विधानसभा की गतिविधियों के विषय में एक स्थान पर ही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस व्यवस्था के तहत अब डिजिटल संसद साइट पर विधानसभाओं की कार्रवाई के सीधे प्रसारण को देखने की व्यवस्था भी की गई है। मेरा माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा को अवगत कराना है कि इस व्यवस्था से जुड़ने के लिए संसद की ओर से किसी भी प्रकार का सहयोग देने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। मैं पुनः 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी से सादर आग्रह है कि वे आयोजन के परिपेक्ष में अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। डॉक्टर चरणदास महंत जी, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हुए सदे ओम बिरला जी, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और मुझे आश्चर्य हो रहा है, खुशी हो रहा है इस बात का कि हमारे 50 विधायक अभी नए चुने गए हैं और सीधा लोकसभा के अध्यक्ष महोदय उनको संबोधित करने आए हैं। उनका सौभाग्य बहुत बड़ा है कि बैठे बैठे वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उनको पा रहे हैं। आदरणीय रमन सिंह जी की तबीयत खराब है, हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, जल्दी ठीक हो जाएं। वैसे काम थोड़ा सा कुर्सी खाली था तो अरुण भाई को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने उसमें बिराजने को कहा। अब आज अरुण भाई वहां बैठे हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं, स्वागत भी करता हूं। मुख्यमंत्री जी भी नहीं आए हैं, शायद हमारे उपराष्ट्रपति जी यहां पधारे हैं, उनके कार्यक्रम में व्यस्त हैं। सतीश महाना जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत ही बड़े विद्वान हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष हैं और संसदविद के नाते एक बहुत बड़े विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते भी उनने बहुत बड़ा गुण भी है और बहुत अध्ययन करते रहते हैं, उनकी कई किताबें छपी हैं, मैं देखता हूं, जानता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि रामलला जी वहां पधार रहे हैं, उसको भी छोड़ के वो यहाँ आए हैं, तो आप लोगों का सौभाग्य है, ये मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन जी भाई, महा सचिव लोकसभा उपल कुमार जी, आदरणीय दिनेश शर्मा जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण और विधायकगण, नवनिर्वाचित विधायकगण, ये निश्चित रूप से आपका सौभाग्य है कि बिरला जी यहां है। सदन का संचालन आप लोग देखते हैं कि नहीं? मैं तो देखता हूं क्योंकि मेरी बीबी भी वही है, उनको कितना समय देते हैं कि नहीं देते नए नए लोगों को, मैं आपको देखते रहता हूं और मैं आपका है? नहीं करूंगा मैं, मगर वो उनकी कृपा रहती है कि हर एक नए सदस्यों को भले 1 मिनट दें और 2 मिनट दें, उनको बोलने का अवसर देते हैं, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो सीखने वाले आने वाले लोग हैं उनसे भी कहूंगा कि उनसे भी सीखें, आज भाषण से ही ना सीखें, उनके विचारों से, उनके कार्यों से आपको ये सब सीखना चाहिए। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि लोकसभा के अध्यक्ष महोदय, मेरे कार्यकाल में तो आप आ नहीं पाए, हम लोग चाहते थे कि आप कभी आते, और आज माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहां अनुपस्थित हैं,
मगर आप के स्वागत के लिए हमारे कौशिक जी यहाँ बैठे हैं, कहाँ गए? ये भी यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं विधानसभा के पिछली बार, और पिछले सत्र में पंचम में मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। तो हम दोनों रमन सिंह जी की कमी को पूरा करने का आपका प्रयास करेंगे, उनकी तरफ से आपका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र की माया तो कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। माया देखिए, आपने अपने बाएं हाथ में अपने सांसद पूर्व को यहाँ विधायक भी बनाया और उप मुख्यमंत्री बना दिया, और एक वहाँ बैठी है गोमती जी, देख रहा हूँ मैं, वो भी आपके सदस्य रही हैं और अब विधायिका हैं, विधायक हैं। हमारी धर्मपत्नी जी भी विधायक हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे साथी बैठे हैं, है? सांसद हैं, सांसद है, सारी गलती हो गई। और हमारे बड़े बड़े दिग्गज पूर्व मंत्रीगण भी यहाँ विराजमान हैं, अमर अग्रवाल जी, भाई मुरत जी और लता जी भी हैं, और दो खतरनाक किस्म के यहाँ विधायक बैठे हैं सर, जो विधायक के रूप में बहुत ही आक्रामक रहते हैं। एक तो उसमें चंद्राकर जी हैं, दूसरा आपके बाजू में ब्रिजमोहन जी बैठे हैं, और ये इस कदर नाराज होते हैं कि जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में नियम बनाया हुआ है समय और निलंबन का, उसकी भी चिंता नहीं करते। आज तो हम सब लोग यहाँ एक परिवार के रूप में बैठे हैं। मैं आप सबके तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप यहाँ पधारे हैं, और मैं चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से ऐसा आशीर्वाद दें कि इन 50 में से कई लोग आपके अगले साल सांसद में चले जाएं, क्योंकि आपने कई सांसदों को विधायक बनाया है, कई विधायकों को आप सांसद बनाइए, और ये बहुत ही जरूरी आज आपका प्रबोधन कार्यक्रम है। मैं नए विधायक से साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनको सुने, उनके चेहरे और उनके पक्ष और उनके कौन से पार्टी के हैं उस पर ना जाएं, क्योंकि ये आपको संस्कार मिलने वाला है आज, संसदीय संस्कार कहना चाहिए। तो आज प्रशिक्षण के माध्यम से, कल प्रशिक्षण के माध्यम से आप लोगों में संस्कार को दिया जाएगा और आप संस्कारित होंगे, तभी आप संसदीय कार्यों के संबंध में जानेंगे भी और उसका उच्चतर स्तर पर आने वाले समय में आप उसको व्यवहार के रूप में परिणित कर सकेंगे। समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं आदरणीय ओम बिरला जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ छत्तीसगढ़ की धरती में पक्ष विपक्ष सबके ओर से, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते कहना ही पड़ेगा कि मेरे पक्ष की तरफ से भी स्वागत करता हूँ और विपक्ष के भी तरफ से स्वागत करता हूँ, मगर छत्तीसगढ़ की धरती आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, आपको प्रणाम करती है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आप ऐसे अवसर पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी से सादर आग्रह है कि वे आयोजन के परिपेक्ष में अपने विचार रखने की कृपा करें। प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर के मुख्य अतिथि लोकसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय ओम बिरला जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय सतीश महाना जी, हमारे प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, लोकसभा के महासचिव आदरणीय उत्पल कुमार सिंह जी, विधानसभा के सचिव सम्माननीय दिनेश शर्मा जी,
सभी सम्माननीय मंत्रीगण, विधानसभा के सभी सम्माननीय सदस्यगण, लोकसभा सदस्य श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, ये प्रबोधन कार्यक्रम हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विधानसभा की कार्यवाही नियम, प्रक्रिया और परंपराओं से चलती है, जिसकी जानकारी हम सबको हो ये अति आवश्यक है। और ऐसे में हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष हम सबके मार्गदर्शन के लिए यहां पर उपस्थित हैं कि जिन्होंने लोकसभा की कार्यवाही का इतिहास रचा है। और मेरा सौभाग्य है कि उनकी अध्यक्षता में मुझे लोकसभा सदस्य रहने का अवसर मिला। शून्यकाल में जिस प्रकार से नए सदस्यों को मौका देना, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना और उनको प्रेरित करना कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें, सदन में उठाएं, लगातार उन्होंने प्रेरित किया और लोकसभा की कार्यवाही का इतिहास इनके कार्यकाल में रचा गया है। और सबसे बड़ा इतिहास जो इनके कार्यकाल में रचा है वो है हमारे देश का नया संसद भवन, वो आदरणीय ओम बिरला जी के ही कार्यकाल में बना है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। और ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी का आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में आना हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से ये प्रबोधन कार्यक्रम उनके गरिमामय उपस्थिति से हम सभी सदस्यों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। इतना ही कहते हुए आप एक बार फिर सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाना जी से सादर अनुरोध है कि वे इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ की छठी विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में हम सबके सौभाग्य से हमको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित आए हैं, जिन्होंने लोकसभा के स्पीकर की उस कुर्सी के ऊपर बैठकर उस कुर्सी को सुशोभित किया है। ऐसे श्रद्धे श्री ओम बिरला जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहेब जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल, इससे पहले जो स्पीकर रहे आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत, लोकसभा के महासचिव आदरणीय श्री उत्पल कुमार जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव श्री दिनेश जी शर्मा, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायक भाइयों और बहनों, मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते से अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब मैं अध्यक्ष बना तो आदरणीय श्री ओम बिरला जी का संरक्षण, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मुझे मिला, जिसके कारण जो प्रधानमंत्री जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नेवा का, नेशनल ई विधान का, उसको आदरणीय ओम बिरला जी के मार्गदर्शन में मैंने उसको पूरा किया। और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस विधानसभा है, उसमें श्रद्धेय बिरला जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जितना भी धन्यवाद दूं कम है कि उनकी कृपा से और उनकी वजह से ही हम उसको पूरा कर सके। जैसे अभी आदरणीय श्री चरणदास महंत जी ने कहा है कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि 50 सदस्य जो पहली बार विधानसभा में चुनकर आए हैं, उनका मार्गदर्शन श्रद्धेय बिरला जी के द्वारा हम सब लोगों को प्राप्त होगा। हम जिस पद के लिए चुने गए हैं विधायक होने के नाते से, हमारी जिम्मेवारी जनता के प्रति क्या होनी चाहिए, हमारा आचरण क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारी कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर श्रद्धेय बिरला जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त होगा।
और मैं इस बात को धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा कि बहुत सारे पुराने सदस्य आप विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उस नाते से भी यहां पर उपस्थित हैं, और बहुत सारे ऐसे सम्मानित सदस्य जो पहली बार से अधिक बार चुनकर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए डिजिटलाइजेशन के इस युग में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए हर समय रहता है। मैं सिर्फ इस बात को नहीं कहना चाहता कि केवल नए विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम है, प्रबोधन और सीखने के लिए सारी उम्र कम होती है। इसके लिए अंग्रेजी की एक लाइन है, हम सबको मालूम है कि ये कहा जाता है कि फॉर नॉलेज स्काई इज द लिमिट, ज्ञान के लिए आसमान की लिमिट, और उस लिमिट को भरने का अगर काम हम सब लोगों को सौभाग्य से मिल सकता है आज के इस अवसर पर कि श्रद्धेय बिरला जी हम सब लोगों का मार्गदर्शन देंगे, तो हर व्यक्ति के लिए सीखने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं क्योंकि माननीय अध्यक्ष विधानसभा आदरणीय श्री रमन सिंह जी ने मेरे से टेलीफोन पर बात हुई थी, उनका पत्र मुझे मिला था, तो उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में रहने के लिए अपेक्षा करी थी उनके द्वारा, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और पुनः एक बार मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, 1 बजे जिस समय सेशन होगा तो उस समय उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषय जो श्रद्धेय ओम बिरला जी के द्वारा यहाँ पर रखे जाएंगे, उसमें से भी सीखकर हम सब लोग अपने इस नए दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, ऐसी मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं। मैं सभी सम्मानित विधायक बंधु, मंत्री, जितने भी हमारे यहाँ पर मित्र उपस्थित हैं, भाई और बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और श्रद्धेय ओम बिरला जी के प्रति आदर और सम्मान के साथ उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त हो, ये भी निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पीड़ित मानवता की सेवा जिनके जीवन का ध्येय रहा है, पीड़ित मानवता की सेवा जिनका ध्येय रहा है, उनका विश्वास है, गमों के आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों के आंच पर आंसू उबाल कर देखो, लगेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे पैरों की भी चुभन कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। पर सेवा परमार्थ के पवित्र भाव से के साथ अनुप्राणित आत्मसात करने वाले लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी से सादर आग्रह है कि इस अवसर पर अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी को मेरा अभिवादन, जय जोहर। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा, सौंदर्य, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक रहा है। प्रदेश छोटा है लेकिन विविधता बहुत है। यहाँ की पुरातत्व संस्कृति, जनजातीय लोकाचार पूरे देश को प्रभावित करते हैं। छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से जीवन कला, यहां की शिल्प, यहां की लोकगीत और नृत्य पूरे देश में आकर्षण करते हैं, और छत्तीसगढ़ की ओर यहां की पुरातत्व संपत्ति को भेजने के लिए देश भर और विश्व के कई देशों के लोगों को भी आकर्षण करते हैं। आप सबको सौभाग्य, आपको इस विधानसभा का सदस्य होने का मौका मिला है। मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं
जनता ने जिस अपेक्षाओं, विश्वास, भरोसे, आकांक्षाओं के साथ आपको चुनकर भेजा है, आप उनके विश्वास को, उनके भरोसे को और कायम रखेंगे और उनकी आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाओं को इस विधानमंडल के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा में पूर्व साथी माननीय अरुण साव जी जो उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभा रहे हैं, सतीश महाना जी जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिनका लंबा एक अनुभव है विधायक के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, और एक ही विधानसभा में 9 से 12 जीतकर उन्होंने कीर्तिमान बनाया है, और आज भी समय समय पर हमारे स्पीकर कॉन्फ्रेंस में देश के अंदर भी और विश्व के कई देशों के अंदर भी आप अपने अनुभव का लाभ सभी संसदीय परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। मेरे मित्र ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो लंबे समय तक यहां विधायक रहे, मंत्री रहे और भी संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व उनके पास है, इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे जिन्होंने हमारे साथ स्पीकर कॉन्फ्रेंस में लगातार काम किया, उनके अनुभव का लाभ भी मिला, आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप अपना दायित्व निभा रहे हैं चरणदास महंती। हमारी लोकसभा में हमारी सांसद श्रीमती महंत, लोकसभा के सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह जी, दिनेश जी, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, ये 2 दिवसीय हमारा प्रबोधन कार्यक्रम हमें संसदीय परंपराओं, नियमों, संविधान को जानने और किस तरीके से हम अपने संविधानिक दायित्वों को निभाते हुए इस विधान मंडल के माध्यम से इस राज्य की समृद्धि ला सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, ये 2 दिन का संचालन प्रबोधन निश्चित रूप से हमारे जीवन में सार्थक होगा। आज उपराष्ट्रपति जी का भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, कल गृह मंत्री जी को भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा। इस विधानमंडल का सौभाग्य है कि यहां के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रमन सिंह जी जो 3 कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनके अनुभवों का लाभ भी आपको मिलेगा। यहां के मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनका लंबा अनुभव का लाभ भी मिलेगा और मुख्यमंत्री के नाते वो अपने दायित्व को निभाते हुए इस प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली, विकास की योजनाएं बनाते समय आपसे व्यापक चर्चा संवाद करेंगे ताकि हम एक समृद्धि, खुशहाली का राज्य बना सके। यहां के नेता प्रतिपक्ष जो भी कुछ दिनों पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो आपको पूरा सदन अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रतिपक्ष के लेकर संसदीय कार्य मंत्री के लेकर एक लंबे अनुभव वाले व्यक्तित्व का आपका लाभ मिला है। ये बात सही है
कि 50 माननीय विधायक नए हैं, लेकिन कुछ माननीय विधायक ऐसे भी हैं जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिनका लंबा अनुभव छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी रहा और कई माननीय विधायकों का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों विधानसभाओं का भी अनुभव रहा है। भारत के लोकतंत्र की हम जब चर्चा करने लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और भारत में लोकतंत्र बहुत पुराना है। हमारी कार्यशैली में, हमारे कार्य व्यवहार में, हर कार्य संस्कृति में लोकतंत्र हमारे जीवन का हिस्सा रहा है और इसीलिए दुनिया के अंदर आजादी के बाद हमारे संसदीय लोकतंत्र और प्रतिष्ठा बढ़ी है। संसदीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा है और 1952 से लेकर अभी तक 18 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव, केंद्र के चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव और उसमें सहज रूप से सत्ता का स्थानांतरण और लोकतंत्र के लोकमत के अंदर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार विमर्श से हमने प्रदेश और देश की समृद्धि खुशहाली की है। हम जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य को बने 20 साल हुए हैं, लेकिन 20 साल के अंदर भी हमने इसी विधानमंडल के माध्यम से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार विमर्श के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि खुशहाली को हमने आगे बढ़ाया है। आज पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ प्रदेश समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने उन जनजाति क्षेत्र के अंदर जहां बहुत अभाव थे, लोगों की जिंदगियों को कठिनाई से गुजारना पड़ता था, उन क्षेत्रों के अंदर भी हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनके भरोसे को जीता, उनके विश्वास को जीता, लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास भरोसा बढ़े, इसके लिए हमने प्रयास किए, जिसके परिणाम है कि आज लोकतंत्र के इसी कारण से उस क्षेत्र में विकास भी हुआ है और लोगों का लोकतंत्र के प्रति भी भरोसा जुगा है और इसीलिए वहां पर मतदान जहां नस्लवाद था, कठिन परिस्थितियां थी, वहां भी लगातार मतदान बढ़ता जा रहा है और ये लगातार मतदान बढ़ना मतलब लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास होना, जनप्रतिनिधियों के नाते उनका विश्वास होना और इसलिए इस विविधता वाले प्रदेश के अंदर, ऐसे हर राज्य अलग अलग विविधता वाला है, हमारे यहां भारत की जब हम भौगोलिक विविधता संस्कृति को देखते हैं तो हर राज्य की अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग कठिनाइयां हैं, लेकिन हमने अपने अपने राज्यों के अंदर उस विविधता, उस विविध संस्कृति, परंपराएं, परपाटियों के आधार पर हमने अपने विधानमंडल में चर्चा संवाद कर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। सरकार किसी भी दल की हो लेकिन विधानमंडल एक ऐसा मंच है
जहां पर सत्ता पक्ष का विधायक और प्रतिपक्ष का विधायक भी हमेशा अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षा आकांक्षाएं सदन में रखता है और ये अपेक्षा करता है कि जो मुद्दे जो अभाव कठिनाइयां मैंने उठाई है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे और समाधान करे। और इसीलिए विधानमंडल का बहुत ठीक तरीके से उपयोग करने से हम हमारे राज्य की उन जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को भी पूरी कर सकते हैं और राज्य की जनताओं की भावनाओं के अनुसार कानून बना सकते हैं, उनकी राज्य की समस्याओं मुद्दों का समाधान कर सकते हैं और बेहतर नीतियां बनाकर भविष्य में हमारे राज्य को समृद्ध कुशल बनाने के लिए ये डिबेट चर्चा के माध्यम से एक परिणाम ला सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि ऐसे छत्तीसगढ़ विधानमंडल अन्य राज्य विधानमंडलों के मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। यहां के नियम प्रक्रियाएं हम कई बार राज्य के विधानमंडलों के अंदर चर्चा करते हैं, विशेष रूप से बेल में आना, बेल में आके ऑटोमेटिकली सस्पेंड करना होना एक अच्छी परंपरा है, लेकिन फिर भी बेल में आते हैं। बेल में आना, विरोध करना, असहमति व्यक्त करना, यह हमारे लोकतंत्र के अंदर स्वाभाविक कार्य प्रणाली है, लेकिन जब प्रदेश का सामूहिक विकास की बात हो, लोगों के सामूहिक हित की बात हो, उस समय हमें सामूहिकता से काम भी करना चाहिए। और ये मैंने विधानमंडल में देखा, केंद्रीय विधानमंडल में भी देखा है कि हमारे विधानमंडल हो चाहे केंद्र विधानमंडल संसद हो, देश हित और राष्ट्र हित में जब भी कोई मुद्दा आता है हम सामूहिकता के साथ एक साथ खड़े रहते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इसीलिए हमने इसी लोकतांत्रिक पद्धति से जहां प्रदेश का विकास की बात हो, देश के हित का मुद्दे की बात हो, हमने सामूहिकता के साथ मिलकर कई सामूहिक फैसले भी किए, सर्वसम्मति से फैसले भी किए। हमें और लोकतंत्र के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रपाटियां, अच्छे नियम को लाने का प्रयास करना चाहिए। विधानमंडल के अंदर प्रदेश के हर मुद्दों पर लंबी चर्चा हो, लंबी डिबेट हो, जनता की भावनाओं के विचारों की अभिव्यक्ति सदन में करें ताकि एक बेहतर परिणाम हम ला पाएंगे। और इसलिए मेरा आग्रह है कि चाहे पुराने अनुभवी विधायक हो, चाहे नए अनुभवी विधायक हो, हमें इस सदन के महत्वपूर्ण मुद्दों की डिबेट और चर्चा का अध्ययन करना चाहिए। यहां पर जो भी कानून इस विधानसभा ने बनाए उन कानूनों का अध्ययन करना चाहिए। और विधानसभा के अध्यक्ष से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो पुरानी जितनी डिबेट चर्चाएं हैं उनको डिजिटलाइजेशन कर दें ताकि जब भी इस विधानसभा में जो भी कानून लाए उस कानून को किस परिप्रेक्ष्य में लाए थे, क्या उद्देश्य था और कानून लाने के बाद क्या सकारात्मक परिवर्तन हुआ, अगर उस कानून में कमी है और फिर कानून लाया जा रहा है तो हम और चर्चा करें, और डिबेट करें और हम हितधारक जो जनता है उनके विचारों की अभिव्यक्ति सदन में करें, सरकार की तरफ ध्यान आकर्षण डालें। और यही विधायी मंच है जिसके माध्यम से आप अच्छी डिबेट चर्चा संवाद कर इस प्रदेश के नेता बन सकते हैं, जनता के विश्वास भरोसे को जीत सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो भी यहां के नियम प्रक्रियाएं हैं
उन नियम प्रक्रियाओं को अध्ययन कर अगर हम विधानसभा के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता की बात भी रखेंगे और प्रदेश की जनता की बात भी रखेंगे तो हम राज्य की समृद्धि खुशहाली भी कर पाएंगे और जनता के अभाव कठिनाई उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को भी पूरी कर पाएंगे। इसलिए विधानमंडल हमें चुनकर जो भेजा है इस विश्वास के साथ भेजा है कि यहां पर हम सार्वगर्भित तरीके से तथ्यों के आधार पर अध्ययन के आधार पर यहां पर विषयों को रखें और इसके लिए दो दिन तक आपका जो प्रबोधन कार्यक्रम चलेगा उनमें विभिन्न विषयों पर आपको डिटेल में चर्चा होगी। मेरा मानना है मैं माननीय नए विधायकों से तो विशेष आग्रह करता हूं, पुराने विधायकों से आग्रह करता हूं कि हमें विधानसभाओं के अंदर ज्यादा बैठने की आदत डालना चाहिए। जितनी देर आप विधानसभा में बैठोगे अनुभवी लोगों के विचार भी मिलेंगे, नए विधायकों के विचार भी मिलेंगे, सरकार के पक्ष के मंत्रियों के विचार भी मिलेंगे, उतनी आप ज्यादा देर बैठने के बाद ज्यादा ठीक से चर्चा कर पाएंगे, ज्यादा ठीक से अपने विचारों को तर्कसंगत रख पाएंगे, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे स्थगन का हो, चाहे कानून बनाने का विषय हो। मेरा मानना है जो विधायक ज्यादा देर सदन में बैठता है वो ठीक से अपनी बात को रखने में प्रभावी तरीके से एक दिन उसका लाभ मिलता है। और इसीलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें, हमारी क्षमताओं को बढ़ाएं, हमारी दक्षताओं को बढ़ाएं, देश की संसद विधानमंडलों के अध्ययन को करें और जब डिबेट हो चाहे बजट का विषय हो, बजट के अंदर हम जब चर्चा करने लगे तो पिछले सारे बजटों का अध्ययन कर आप चर्चा करेंगे और जो बजट आवंटित हुआ था उसका ठीक से उपयोग हुआ नहीं हुआ और आवंटित बजट का लाभ जिन योजनाओं नीतियों कार्यक्रम के लिए लाया गया था उससे उसका कितना प्रभाव हुआ, तो आपके हर बजट पर आप हर मत पर ठीक से चर्चा कर पाएंगे। इसलिए बजट सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बजट सत्र में बजट पर चर्चा करना, अलग अलग विभागों पर चर्चा करना और विभागों के अंदर जो बजट दिया गया था उससे क्या क्या परिवर्तन हुआ, उससे निश्चित रूप से आप कार्यपालिका में भी पारदर्शिता ला सकते हैं और शासन में भी पारदर्शिता ला सकते हैं। दोनों में अगर पारदर्शिता और जवाबदेही लानी है तो इन विधानमंडलों का उपयोग आपको करना चाहिए और विधानमंडलों में तर्कसंगत चर्चा करना चाहिए। और इसी तरीके से हम हमारे क्षेत्र की समस्याओं को तो उठाएं सही, लेकिन हमें राज्य के प्रमुख मुद्दों पर, क्योंकि ये बहुत समृद्ध राज्य है, यहाँ प्राकृतिक संपदा, कृषि उद्योग और कई संभावनाएं इस प्रदेश के अंदर है। इस छोटे राज्य में सारी संभावनाओं को समझकर देश और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम किस तरीके से राज्य के विकास में हमारा योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से राज्य को और विकास में तेजी ला सकते हैं, कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, यह हमारी चर्चा संवाद से संभव हो पाएगा। और विशेष रूप से अध्यक्ष जी, यानी मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सत्र में एक दिन विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्रों के अंदर सरकार की योजनाओं का, अपनी तरफ से चलाई गई सामाजिक योजनाओं का, अपनी तरफ से किए गए इनोवेशन नई पहलों का
अलग अलग विधानसभा के सदस्य चर्चा करें और उन चर्चाओं के माध्यम से यह परिणाम आएगा कि उन्होंने सामाजिक केंद्र राज्य की योजनाओं के अलावा जो सामाजिक योजनाएं शुरू की है उससे किस तरीके से समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाए। एक पक्ष सरकार का है, दूसरा पक्ष विधायक की जनपति भूमिका जो एक सामाजिक नेतृत्व के रूप में काम किया है उसकी भूमिका है। उससे जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से अन्य विधायकों को जो विधायक ने बहुत अच्छी पहल कर अपने इलाके के अंदर लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन किया है उसका उसको प्रेरणा मिलेगी और वह भी अपने क्षेत्र में ऐसी योजनाओं कार्यक्रम को लागू करेगा ताकि वह और परिवर्तन कर सके। क्योंकि यहाँ पर विविधताएं भी हैं, जनजाति क्षेत्र भी है, कोई विकास का नया क्षेत्र भी है, इसलिए मुद्दे अलग अलग हैं, क्षेत्र के मुद्दे भी अलग अलग होते हैं, कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, कोई क्षेत्र आगे है, लेकिन जो पिछड़ा क्षेत्र है उसकी विधायक की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है और जो आगे वाला विकास का जो क्षेत्र है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि विकास के दृष्टिकोण के अंदर जहां सरकार बराबर और उन पिछड़े जिलों को पिछड़े गांवों को आगे लाने का काम करे वहीं विधायक महोदय भी समय समय पर ऐसे राज्य के सामूहिक और सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की योजना बनाए। मुझे आशा है कि हम इस लोकतंत्र के अंदर अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है लेकिन इस विधानसभा को हम और संवैधानिक रूप से अच्छी परंपराओं अच्छी प्रॉपर्टियों की विधानसभा बनाए आदर्श विधानसभा बनाए क्योंकि माननीय अध्यक्ष यहाँ पर रहे प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और सदन और प्रतिपक्ष मिलकर ऐसे नियम प्रक्रियाएं प्रॉपर्टी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे जिससे हम ये उदाहरण दे सकें कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है जहाँ पर संवैधानिक दायित्वों का भी ठीक से उपयोग किया जाता है और जहां पक्ष विपक्ष बैठकर राज्य के सर्वांगीण विकास पर बैठकर दोनों मतों पर सहमति असहमति भी करता है नीतियों का विरोध करने की आवश्यकता विरोध भी करता है लेकिन जहां सकारात्मक पक्ष सरकार को बताने का होता है वो सकारात्मक दिशा में भी सहयोग करता है। हम नई पहल नए प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस लोकतंत्र को संवैधानिक संस्थाओं को अगर हम मंदिर मानते हैं तो हमें इनकी प्रतिष्ठा इनकी गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। तत्कालीन रूप से बेल में आना तत्कालीन रूप से सदन का गतिरोध कराना तत्काल तो उसका लाभ हो सकता है लेकिन लंबे समय आप लाभ नहीं हो सकता। लंबे समय जब कभी आपके पुराने विधायक सदन की प्रोसीडिंग देखेंगे तो जो बेस्ट विधायक वही होगा जिसने यहां संसद विधानसभा बैठकर प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की कानून बनाते समय अपने पक्ष को मजबूत रखा और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को भी मजबूत रखा और राज्य के समृद्धि विकास के लिए भी सकारात्मक विचार रखे और पुरानी डिबेट चर्चा के अंदर आने वाले माननीय सदस्यों को प्रेरणा देगा। इसीलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि हम सब सदस्य मिलकर इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित प्रदेश बनाने में एक ऐसी बुनियादी खड़ा करें ऐसी चर्चा संवाद की नई परंपरा शुरू कर सकें ताकि इस प्रदेश को भव्य भी बना सकें विकसित भी बना सकें और जनजाति क्षेत्र के लोगों के जीवन में परिवर्तन कर लाकर एक देश के अंदर नई पहल कर सकें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो छोटा है लेकिन अपने पहल से अपने कार्य से अपनी कार्य प्रणाली से अपने विधानमंडल के अंदर चर्चा संवाद से हमने श्रेष्ठ और विकसित छत्तीसगढ़ बनाया है। मुझे आशा है आप सब मिलकर इसका सामूहिकता से प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय आपके
कृपा पूर्वक प्रेरक आशीर्वचन के लिए। अब माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा से सादर आग्रह है कि आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का साल श्रीफल से स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत, साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और नेता प्रतिपक्ष जी ने ये स्मृति चिन्ह भेंट किया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष की ओर से महासचिव लोकसभा महासचिव महोदय महासचिव लोकसभा का सम्मान करेंगे। सचिव महोदय महासचिव महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए महासचिव लोकसभा से सादर आग्रह है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की ओर से मंचासीन अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। महासचिव महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह लोकसभा की ओर से महासचिव जी प्रदान करते हुए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को स्मृति चिन्ह और लोकसभा की भेंट महासचिव जी प्रदान करते हुए, महासचिव जी से लोकसभा से अनुरोध है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। भारत के संविधान के प्रति उपलब्ध कराते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट, महासचिव लोकसभा द्वारा भारत के संविधान की प्रति सप्रेम भेंट करते हुए महासचिव महोदय, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा जी को स्मृति चिन्ह और भारत के संविधान की प्रति सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा श्री दिनेश शर्मा जी को महासचिव महोदय महासचिव लोकसभा स्मृति चिन्ह और संविधान की प्रति उपलब्ध भेंट करते हुए, आप सभी माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि इस सत्र के तुरंत बाद मुख्य अतिथि महोदय के साथ समूह छायाचित्र होना है। आप सभी कृपया निर्धारित स्थान पर पहुंचने की कृपा करेंगे इस मंची कार्यक्रम के तुरंत उपरांत। माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से सादर निवेदन है कि वे आभार प्रदर्शित करने की कृपा करें। हम सबका सौभाग्य है
कि इस देश की लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी ने हम सबको अपने संसदीय कार्य करते हुए अपने विधायकी दायित्व का निर्वहन कैसे कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जितना ज़्यादा हम विधानसभा की कार्यवाही में उपस्थित रहेंगे उतना ज़्यादा हमको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानकारी मिलेगी। निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमारे सभी विधायक साथियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आज इस प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आप यहाँ पर पधारे, हम सबको संबोधित किया। मैं आपके प्रति छत्तीसगढ़ विधानसभा की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश लोकसभा के अध्यक्ष जी, उनका प्रबोधन अभी हमको 1 बजे सुनने के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से हम 90 लोग हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे 5 गुनी ज़्यादा बड़ी है, और उस विधानसभा को वो कैसे संचालित करते हैं, उस विधानसभा में किस प्रकार से जनभावनाओं को उद्घाटित किया जाता है, ये हमको उनसे जानकारी मिलेगी। वो इस सत्र में उपस्थित रहे, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी, जो हाई कोर्ट में डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, अभी विधायक और हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्योंकि उपराष्ट्रपति जी के साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हैं, इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री जी का भी और साथ में मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, आपने उनको सुना, वो लोकसभा में भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद संसदीय कार्यकाल की, संसदीय परंपराओं की एक वो जीती जागती मूरत है कि उन्होंने सब कामों को निभाया है। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लोकसभा के महासचिव जो पूरे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की संस्था लोकसभा को संचालन में माननीय अध्यक्ष महोदय का सहयोग करते हैं, उनके उद्गार भी हमने सुने हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विधानसभा के सचिव, सचिवालय के सभी कर्मचारी अधिकारी और साथ में सभी विधायक साथीगण, मेरी जानकारी में 90 में से 55 विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं, वो इस बात को साबित करता है कि हमारे 50 नए विधायक हैं और 55 यहाँ पर उपस्थित हैं, तो पुराने विधायक और मंत्रियों में भी सीखने की लालसा है। मैं उन सब के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए और पुनः लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी स्वास्थ्यगत कारणों से उपस्थित नहीं हैं, उनकी तरफ से क्षमा मांगते हुए पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप तालियां बजाकर हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का कि उन्होंने तकलीफ कर और यहां पर पधारे, हम सबको मार्गदर्शन दिया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।